रेल बाजार इटावा में शासन के निर्देश पर रविवार से हर राशन डीलर की दुकान से राशन के साथ ही तेल, दाल व नमक का फ्री वितरण किया गया। वहीं राशन मिलने पर कार्ड धारकों ने योगी सरकार को धन्यवाद किया। शासन के निर्देश पर रविवार से हर राशन डीलर की दुकान से राशन के साथ ही तेल, दाल व नमक का फ्री वितरण किया गया। इटावा के रेल बाजार में अनूप कुमार गुप्ता की राशन की दुकान पर जनता ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया। शासन की इस योजना से 252,335 कार्ड धारकों को लाभ मिल सकेगा। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि इस समय शहरी क्षेत्र में 59 और जिले में कुल मिलाकर 649 राशन डीलर कार्यरत है। पूर्ति विभाग ने सभी दुकानों पर राशन उपलब्ध करा दिया है। 3 आइटम बट रहे हैं, अभी टोटल 5 आइटम है। 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल पर यूनिट गेहूं चावल हो गया, और एक तो आपका ये है रिफाइंड, एक आपका नमक है और चना है साबुत। ये आइटम जो है प्रति यूनिट पर कार्ड ये दिया जा रहा है। अच्छा, आइटम तो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, मतलब कितना कितने लोग प्रति मतलब आ रहे हैं रोजाना? काफी लोग ले जाते हैं, करीब 50 लोग करीब जो है लेके जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा वैक्सीन वाले कार्ड का वो मांगा जा रहा है। अच्छा, वैक्सीन वाला कार्ड कुछ लोगों ने लगवा नहीं पाई, वैक्सीन की तरफ काफी लोग जागरूक है। हाँ। और इसके माध्यम से वैक्सीन लोग ज्यादा लगवा रहे हैं। अच्छा, राशन की वजह से हमारी दुकान पर तो जो हमारी दुकान के कार्ड है वही ले सकते हैं लाभार्थी। और भी जगह से जहाँ जिसके कार्ड है वहाँ से लाभार्थी पूरा उसका फायदा उठा रहा है, और जहाँ तक उम्मीद है सभी लोग कायदे से पूरा राशन प्राप्त कर रहे हैं। हम मिल रहा सबको, इसके बारे में हम तो बढ़िया कहेंगे, हमें तो मिल रहा है कुछ बढ़िया सा। अच्छा, क्या क्या मिला है आपको? हमको नमक मिला और वो ऑयल मिला है, और ये चना मिले हैं, गेहूँ मिला, चावल मिला। अच्छा, आपके कितने यूनिट है, कितना मतलब पूरा मिलता है आपको? दो यूनिट है। अच्छा, पूरा मिलता है राशन? पूरा मिलता है। राशन दे रहे यश गुप्ता ने बताया कि एक यूनिट पर हर माह 10 किलो राशन मुफ्त मिलेगा, जबकि पहली एक यूनिट पर महीने में 5 किलो राशन मिलता है। इस योजना से गरीब व वंचित वर्ग को अनाज के अलावा खाद्य तेल व नमक भी एक महीने में 2 बार मिलेगा। हमारी दुकान पर सभी को पूरा राशन दिया जाता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।